पत्रकार और आईटीआई कार्यकर्ता आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकांड में अब तक कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने प्रशांत सिंह नाम के कुख्यात शूटर को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मामले में अब तक किसी भी बड़े भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दावों की माने तो आशुतोष श्रीवास्तव कांड के पीछे कई कथित बड़े बीजेपी और सपा नेताओं का हाथ माना जा रहा है। इससे पहले पुलिस ने जमीरुद्दीन कुरैशी नाम के एक शख्स को महाराष्ट्र के थाने से गिरफ्तार किया था। बाद में कुरैशी पुलिस को चकमा देकर ट्रांजिट के समय फरार हो गया था और एक बार वापस थाने से गिरफ्तार किया गया। पत्रकार हत्या मामले के कई महीने बीत जाने के बाद भी इसके पीछे के साजिशकर्ताओं के बारे में पुलिस ना कुछ कह रही है और ना ही इस केस में कोई डेवलपमेंट है। सवाल पर बस ये कहा जा रहा है कि जांच चल रही है। हालांकि इस मामले पर डीएम साहब का कहना है कि जब ये मामला उनके संज्ञान में आया था उस समय उन्होंने कप्तान को पत्रकार के आरोपों के एंगल में जांच पड़ताल करने को कहा था, क्योंकि पत्रकार ने काफी पहले आरोप लगाए थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर जांच में किसी भूमाफिया या राजस्व विभाग के लोगों की मिलीभगत की बात आती है तो जांच की जाएगी। माफियाओं के खिलाफ एक साल से पिछले आवाज़ उठा रहा था। सागन तहसील के एक लेखपाल हैं विकास सिंह कुशवाहा, और वहाँ के प्रशासन उनके खिलाफ बराबर उसका वीडियो भी वायरल हुआ सब चैनलों पर। अभी तक भूमाफियाओं के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, उसकी हत्या हुई, क्या उस पर भी कोई जांच नहीं? ये जब ये विषय आया था तो उस समय मैंने जो पुलिस के अधिकारी हैं और कप्तान साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि इस एंगल पे भी जब तफ्तीश चल रही है, विवेचना चल रही है उनकी, मैं इस एंगल पे भी इसको देख लिया जाए कि जो आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि वो बहुत पुराना वीडियो था, तो हाँ एक साल पुराना, तो उसको देख लिया जाए और अगर उन तथ्यों में सच्चाई है और कौन कौन व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उसमें पुलिस विवेचना से ही वो तय हो पाएगा। तो पुलिस उसकी विवेचना कर रही है, अगर उसमें विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा हमारे संज्ञान में लाया जाता है कि उसमें अगर किसी प्रकार से कोई राजस्व कर्मचारी की लापरवाही है या कौन उसमें भूमाफिया है तो उनके विरुद्ध एंटी भूमाफिया में कार्रवाई की जाएगी, और अगर किसी कर्मचारी की संलिप्तता आती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। तो हम भी वेट ही कर रहे हैं उसका। उसमें से सीधे आरोप तहसील प्रशासन पर नहीं, देखिए वो तो बात ठीक है, लेकिन 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 ये चीज़ तो विवेचना से ही तय होगी ना वो तो सर। लेकिन उस आरोपों की जाँच जो चूना भट्टी की जमीन बताई गई सबराहत में, लाइब्रेरी की जमीन बताई गई और तालाब बताया गया कि उस भूमाफिया ने कब्जा किया, तो उसको एक बार मैं फिर उनसे दोबारा बात कर लेता हूँ, बीच में इलेक्शंस में हम देख नहीं पाए, तो जो जो उसमें बिंदु है उसके लिए हम एक समिति बना के उसको भी करा लेंगे। वहीं पत्रकार के बड़े भाई इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस मामले पर सही से न्याय किया जाए। पत्रकार के बड़े भाई का कहना है कि वो पुलिस के कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है आपसे और कप्तान के बीच में, क्या आपका क्या कहा गया और क्या था पूरा घटनाक्रम? नहीं, अगला का इनामी मारा गया है, कथा सामने बताया, कहें कि और चिन्हित है, चिन्हित करे हैं तो उसको बाद बताएंगे। हमने कहा सर शूटर को प्रोवाइड जिसने कराया, साजिशकर्ता जो मुख्य है नासिर जमाल, कामरान अर्फी से और तमाम लोग हैं उसमें, सबका नाम तो हम नहीं जान सकते उसमें, उस साजिश के खुलासा हो। क्या घटनाक्रम हुआ था जिसके संदर्भ में ये बातचीत हुई आपकी कप्तान? घटनाक्रम हमारे भाई से पत्रकार था ही, वो आरटीआई एक्टिविस्ट था और समाज सेवक भी था, तरह तरह के भ्रष्टाचार को उसने उजागर किया। भूमाफिया नासिर जमाल हैं, उनका सर सैयद इंटर कॉलेज और एक बंजर खाता का जमीन है 1037, जिस पर 2018 में जुर्माना नायब तहसीलदार ने किया, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, भाई ने सबका पोल खोला। और फरीदुल हक डिग्री कॉलेज उनका है, 15 बीघा मदरसा फारूकिया इन्होंने डोनेट किया है, हमारे भाई ने सब इन्हीं का पोल खोला था। और चाँद तारा पोखरा था जो पहले मिर्जा नंबर बेग का था, फिर मैनुद्दीन का हुआ, फिर फारूकिया मदरसा को नाम कर दिया गया, और उस पर मत्स्य पालन के लिए 7 लाख 5 लाख रुपया सालाना लीज पे देते थे। हमारे भाई ने हाई कोर्ट जाके उसका खारिज करवाया, तो भाई से बहुत जलन था इन लोगों को। और कई भ्रष्टाचार खोला सागन तहसील में, तहसील प्रशासन की मिलीभगत से बहुत हेर फेर हुआ है राजस्व विभाग में, हमारे भाई ने बहुत सारा पुल खोला, तो इसमें भ्रष्टाचारी, गो तस्कर और भूमाफिया सबकी मिलीभगत एक संगठित गिरोह है, सबको ने मिलकर हमारे भाई को रास्ते से हटाया अपने। क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, हम इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।